अंदर की तरफ चली गई हैं, गड्ढे आ गए हैं, डार्क सर्कल आ गए हैं, पूरी रात ना सोने की वजह से कई लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, कंप्यूटर में लगे रहते हैं। जो नई नई मदर बनती है, मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, पूरी रात बच्चा सोता नहीं है, हमें भी नहीं सोने देता है, और जिसकी वजह से केयर ना करने की वजह से हमारी आंखें अंदर की तरफ चली जाती हैं। ऑफकोर्स कितना ही मेकअप करो वो कवर नहीं होते हैं, वो गड्ढे आपको ऐसे के ऐसे ही दिखाई देते हैं, जो पूरे फेस की ब्यूटी का सत्यानाश कर देते हैं। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखना है। होममेड क्रीम देने जा रही हूँ। जिन लड़कियों को थायराइड की प्रॉब्लम है, उनकी आंखें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ब्लैक चश्मा पहन रखा है, मतलब इतने भयंकर डार्क सर्कल होते हैं, छुटाने पे भी नहीं छूटते हैं। लेकिन आज की होम रेमेडी अगर आप लगातार 15 से 20 दिन अप्लाई करते हैं तो आपको कितने भी भयंकर डार्क सर्कल हैं, थायराइड वालों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपको कोई भी इशू नहीं है तो केवल 7 दिन के अंदर ये रेमेडी आपकी स्किन से, मतलब कि आंखों से डार्क सर्कल हटा देगी, आपकी आंखें बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगी, स्किन में कसाव आएगा, इलास्टिसिटी आएगी, रिंकल्स परमानेंटली भाग जाएंगी। तो ऐसी कौन सी अमेजिंग क्रीम हो सकती है, मैं बताने जा रही हूँ ना। वीडियो को एंड तक देखना है, पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाएगा। तो चलिए फिर रेमेडी, आपको खाली कंटेनर लेना है, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने इसको पोंछ भी लिया है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो बेस बनाने के लिए हमारा जो बेस होगा जिसे हम रेमेडी तैयार करेंगे, ऑफकोर्स वो होगा एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा जेल के बिना कोई भी रेमेडी, कोई भी क्रीम नहीं बन पाती है। तो बेस के तौर पे हम यहाँ पे लेंगे एलोवेरा जेल, आपको एक चम्मच के करीब लेना है। उसके बाद आपको आलू लेना है, इसको पील ऑफ कर लेना है। आलू के अंदर स्टार्च होता है और इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो लगभग आपके अंडर आई सर्कल को रिमूव करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छील के अच्छे से वॉश करके कुछ इस तरह से आपको क्रश कर लेना है और इसका एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच आपको निकाल लेना है जूस, और इस एलोवेरा के अंदर हम डाल देंगे पोटैटो जूस, एक चम्मच के करीब पोटैटो जूस, ये देखिएगा। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब, डेढ़ चम्मच के करीब, जितनी आप बनाना चाहें। आप इसको 15 से 20 दिन के लिए बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डाल दिया है। फिर आपको लेना है आलमंड ऑयल, ये वाला, मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, आपके पास जो भी है वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो प्योर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं डालूंगी सिर्फ 5 ड्रॉप 5 to 6, ज़्यादा ही कोई बात नहीं। तो लीजिए, फिर आपको ऊपर से फिर आपको क्या डालना है, एलोवेरा जेल, मतलब ये क्रीम हम इतनी बनाएंगे कि हमारे 15 से 20 दिन चल पड़े। ठीक है, तो मैंने एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल दिया है, और जो हमने आलमंड ऑयल लिया है ना, वो क्या करेगा, जो आपकी ब्लैकनेस है ना आंखों के आसपास, उसको ख़त्म करेगा। आपको पता ही है कि आलमंड के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी स्किन को ब्राइट बनाने का काम करता है और आपकी स्किन पे प्यारा सा ग्लो लेके आता है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे, तो आपकी आई क्रीम कुछ इस तरह की बनके तैयार हो जाएगी, बिल्कुल जेल टाइप कंसिस्टेंसी में। इसको कोई भी यूज कर सकता है, चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, कैसी भी स्किन है, आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। मैंने पहले जो क्रीम बनाई थी उसमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि हमारी सेंसिटिव स्किन है, लेकिन उसमें मैंने लेमन डाल दिया था। ठीक है, तो बिना लेमन के इस तरीके से आप अपनी क्रीम को प्रिपेयर कर सकते हैं, लगा सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले कोई प्रॉब्लम, कोई रैशेज, कोई आपको इचिंग नहीं होने वाली है। ये देखिए, ये हमारी क्रीम कितनी प्यारी, बिल्कुल मार्केट वाली जैसी बनके तैयार है, लेकिन फ़ायदा आपको उससे भी कहीं ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है, लेकिन एक और स्टेप है जो इसे लगाने से पहले आपको फॉलो करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, आंखें अंदर की तरफ चली गई है, या फिर आपकी स्किन उम्र से पहले ही लूज हो चुकी है, या फिर रिंकल्स आ गए हैं, तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं क्रीम के बारे। लेकिन जिन लड़कियों को खांसी बहुत प्रॉब्लम है कि आंखें बिल्कुल गड़ गई हैं अंदर की तरफ, उनको क्या करना है, क्रीम लगाने से पहले आपको लेनी है एक आइस क्यूब, कॉटन का कपड़ा। ठीक है, मैंने रुमाल लिया है, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा इसको ऐसे करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपका पानी रुमाल के अंदर जाए, वो नीचे टपके ना। ये ट्रिक है, मेरी ही ट्रिक है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो फिर आपको कुछ इस तरीके से आपको आइस क्यूब के साथ मसाज करनी है। इससे क्या होगा, आंखें क्यों मुरझाती हैं, जब ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है, तो इससे आपका ब्लड फ्लो बेहतर होगा। जो आपकी नसें सिकुड़ चुकी हैं, जिनमें ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो उससे क्या है, ब्लड फ्लो जा पाएगा ऐसे मसाज करने से। और जो ये पॉइंट होता है आपकी आंखों का, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से
पाँच दस मिनट के लिए रब करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से रब करना है। बहुत सारी लड़कियों को पफीनेस की प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, तो ऊपर नीचे आपको कुछ इस तरीके से दोनों आँखों पे करना है, ठीक है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इस प्रोसेस को 2 टाइम करेंगे, सुबह और रात को सोने से पहले। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, हिम्मत नहीं है आपकी, तो रात को सोने से पहले आप इसको जरूर करके सोइएगा। सुबह करें ना करें, लेकिन रात में आपकी जो स्किन होती है वो रिपेयर मूड में होती है, रिलैक्स होती है, और आपको डबल फायदा मिलता है जब भी आप कोई रेमेडी अप्लाई करते हैं। तो ये प्रोसेस आपको जरूर करनी है, कम से कम 2 आइस क्यूब आपको ख़त्म करनी है अपनी आंखों पे, ऐसे घुमा घुमा के। चाहे आपको कितनी भी पफीनेस की प्रॉब्लम हो वो चली जाएगी, रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। तो आपको इसी कपड़े के साथ आपका अपना फेस पोंछ लेना है, फिर आपको उठानी है आपकी क्रीम, तब तक आपको इसे फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपकी स्किन पे आपको मिल पाए। खोलना है और रिंग फिंगर के ऊपर आपको सिर्फ इतनी सी निकालनी है, ठीक है। जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हैं ना, वो इतनी मैजिकली ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट के तौर पे आप इसको लीजिए। बिल्कुल सीरियसली लेना है आपको क्रीम, ये नहीं कि ये कुछ नहीं काम करेगी, हमने बहुत सारी चीज़ें लगा के देख ली हैं, किसी ने नहीं काम किया, ये भी क्या काम करेगी। काम करेगी, विश्वास के साथ लगाइएगा। तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है, सर्कुलर मोशन में करनी है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अच्छे से टीवी देखते देखते 10 मिनट आपको अपनी आंखों के लिए निकालना ही निकालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों में दोबारा से जान आ जाए, आपकी आंखें अट्रैक्टिव दिखें, और हाँ एक बार बताऊँ, जब आप इस क्रीम को लगाएंगे ना, अगर आपकी पलकें नहीं हैं तो आपकी पलकें आना भी स्टार्ट हो जाएंगी, यकीन नहीं है ना, करके देखिएगा ये क्रीम एक बार बना के देखिएगा। मेरी खुद की पलकें आना स्टार्ट हो गई हैं, अगर मैं दिखाऊँ दिख पाएंगी पता नहीं दिखेंगे, लेकिन बड़े कमाल की रेमेडी है, ठीक है। तो इसे लगाना है, 2 बार मसाज करनी है, आपका फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। यह था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस आप अपने बाय।